Hey guys, this is Ankit. Hello and welcome. So guys, आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? अब मैं बताना चाहूँगा, आप कैसे ही एक पर्सन ने ये टॉपिक मेरे को पास किया था, उनके कहने पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा गाइस साथ ही साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो टॉपिक है सिर्फ बिगनर से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक्स में होता है, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? तो आपको इसके बारे में एक्चुअली पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई, राइट? तो उनका क्वेश्चन ये है कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है डेटाबेस में, और यू कह लो DBMS में एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए आज की वीडियो में अपने तरीके से, मैं अपने शब्दों में एक इजी मैनर में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए छप जाए, राइट? ओके, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल वे में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन से आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, क्या आप रिलेट करते हो, किससे आप कनेक्ट हो पाते हो? जो इलिटरेट होते हैं ना, मतलब कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, मतलब जो सिक्स से बिलो या फिर एटलीस्ट उन्होंने टेंथ या इंटरमीडिएट कर रखा हो, उनसे भी अगर आप पूछोगे ना तो वो भी समझ जाएंगे कि अच्छा ट्रांजेक्शन मतलब कि आप बोल रहे हो कि बैंक से रिलेटेड कुछ, राइट? ऐसे वो लोग रिएक्ट करेंगे, मतलब वो समझ जाएंगे कि ट्रांजेक्शन मतलब बैंकिंग से रिलेटेड लेन देन, या मनी ट्रांसफर कर रहे हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, राइट? ये एक जनरल हमारा ओपिनियन होता है, और यू कह लो मेरी एक बेसिक, हम लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ट्रांजेक्शन वर्ड से लेकर के, राइट? तो गाइस चलिए एक बेहतर तरीके से पहले समझते हैं ट्रांजेक्शन होता है क्या, फिर एसिड प्रॉपर्टी इसी से कनेक्टेड है, राइट? इमेजिन करो गाइस, ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। इमेजिन करो दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम, दोनों का अपना एक बैंक अकाउंट है, राइट? सेविंग अकाउंट इमेजिन कर लो, राइट? तो श्याम के अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हुए हैं और राम के अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं। 500 राम के अकाउंट में, 1000 रुपीज़ किसके अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में, राइट? एक दिन क्या होता है, श्याम के यहाँ एक फ्रेंड आता है, उसका एक कोई बाहर का फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स आता है, कोई रिलेटिव को इमेजिन कर लो। तो क्या होता है कि जब वो आते हैं तो उसको लगता है कि चलो यार आज मूवी देखने चलते हैं। श्याम क्या करता है, उसके साथ मूवी देखने चला जाता है, और वो अपना PVR में गया लेट से, और उसने टिकट काउंटर पे टिकट लेने के जैसे खड़ा हुआ तो उसको पता चला कि भाई एक टिकट मतलब एक पर्सन का जो टिकट है उसका अमाउंट है 600 रुपये, मतलब दो टिकट चाहिए तो मतलब 1200 रुपये आपको पे करने होंगे तभी आप दो टिकट ले पाओगे। अब उन दोनों को बेसिकली मूवी देखनी है तो इसलिए उसके पास 1200 रुपये है नहीं, उसके अकाउंट में पता चला उसको 1000 रुपये हैं, राइट? तो उसने क्या किया, तुरंत फ़ोन निकाला, उसने सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, वो कौन था, राम। राम से बोला कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं अभी इस काम से आया था, मेरे को अभी इतने अमाउंट की ज़रूरत है। तो राम ने सोचा हाँ यार मेरे पास तो इतना पैसा पड़ा हुआ है तो मैं भेज सकता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है श्योर, मैं तुम्हें अभी पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अपना अकाउंट नंबर बता दो या जैसे भी UPI बैंकिंग जैसे भी बता दो, मैं वैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई मेरे को 200 रुपये की ज़रूरत है। तो अब गाइस यहाँ पे जो मेजर ऑपरेशन होंगे, यहाँ पे समझना इस चीज़ को, जो मेजर दो ऑपरेशन होने वाले हैं, एक पैसा एक अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के श्याम के अकाउंट में जो पैसा जाएगा, यहाँ पे दो मेजर ऑपरेशन होंगे। पहला ऑपरेशन होगा डेबिट और दूसरा ऑपरेशन होगा क्रेडिट, मतलब कि राम के अमाउंट से, जो राम का बैंक अकाउंट है वहाँ से अमाउंट डेबिट होगा और वो जाकर क्रेडिट होगा किसके अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में, राइट? अब डेबिट और क्रेडिट फर्दर उसके बिहाइंड जो बेसिकली ऑपरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, उन स्टेप्स को थोड़ा सा डेप्थ में और समझ। सबसे पहले डेबिट की बात करें कि राम के अकाउंट से जब मनी डिडक्ट होगी, वो जो 200 रुपये हैं उसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे बैक एंड में। पहले क्या होगा, लेट से कि UPI के थ्रू कर रहा है या ATM कैसे भी कर रहा है, इमेजिन कर लो कुछ भी। तो क्या होगा, राम ने मान लो कि अमाउंट डाला, पासवर्ड डाला, अपना पिन कोड जो भी है सब कुछ डाल करके उसने पे नाउ किया, जैसे पे पे क्लिक किया, अब बैकर में देखो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होंगे। पहले क्या होगा, अकाउंट का जो मनी है उसको रीड करेगा, जो उसका एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसको रीड करेगा, तो रीड ऑपरेशन पहला परफॉर्म होगा बैकेंड में। सेकेंड स्टेप पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा डेबिट के लिए वो होगा क्या,
डिडक्ट ऑपरेशन। डिडक्ट ऑपरेशन मतलब सबसे पहले जब रीड करेगा, अभी रीड क्यों करेगा, सबसे पहले वो रीड इसलिए करेगा, पहले तो रीड करके वो चेक करेगा जो अमाउंट ये बंदा राम ट्रांसफर करना चाह रहा है, क्या ये पर्सन का अकाउंट एलिजिबल है कि नहीं है, एलिजिबल इन द सेंस उसके अकाउंट में इनफ मनी है या नहीं है। रीड इसलिए करता है क्योंकि रीड करने के बाद वो चेक करता है कि भाई अमाउंट है भी या नहीं है, अगर नहीं है तो वहीं से उसको रिवर्ट बैक कर देगा। अगर उसने चेक किया कि भाई 200 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता और उसके अकाउंट में अभी कितना है 500 रुपये, तो हाँ भाई ये करेक्ट बंदा है, जिसका अकाउंट एलिजिबल है किसी दूसरे शख्स को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, राइट। तो रीड ऑपरेशन कंप्लीट, अब क्या करेगा वो डिडक्ट ऑपरेशन चलेगा। डिडक्ट मतलब माइनस होगा, उसके अमाउंट में सब्ट्रैक्शंस होंगे, यू कह लो सिंपल वर्ड में, तो उसका अमाउंट डिडक्ट होगा। डिडक्ट क्या होगा, जो 500 है 500 में कितना अमाउंट उसने ट्रांसफ़र करना है 200 रुपये, तो 500 में 200 डिडक्ट होगा। डिडक्ट होने के बाद जो थर्ड ऑपरेशन होगा, थर्ड ऑपरेशन क्या होगा, राइट ऑपरेशन होगा। राइट मतलब कि अपडेट होगा, जो पुराना वाला प्रीवियस अमाउंट होगा अभी नए अमाउंट के साथ आफ्टर डिडक्शन वो अपडेट करेगा नए अमाउंट के साथ राम का अकाउंट। अब क्या कर देगा, 200 डिडक्ट हुआ, अब नया जो अमाउंट होगा उसके अकाउंट में कितना होगा 300, राइट। फाइनली ये पूरा डेबिट की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब डेबिट की ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होके, अभी ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट नहीं होगी जब तक क्रेडिट कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे श्याम के अकाउंट में ऑपरेशन परफॉर्म, इधर का डेबिट का कंप्लीट हो गया, डेबिट का पोर्शन कंप्लीट। जैसे डेबिट कंप्लीट मतलब इधर का सेक्शन कंप्लीट होगा, एक मतलब एक ऑपरेशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया वो है डेबिट ऑपरेशन। उसके बाद क्रेडिट में क्या होगा, सिमिलरली इधर क्या होगा, सबसे पहले वो रीड करेगा, रीड ऑपरेशन क्रेडिट के पर्सपेक्टिव। अभी रीड क्यों करेगा, रीड इसलिए करेगा, मान लो उसके अकाउंट में जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट है, अभी बैरल कितना है 1000 अमाउंट है, वो रीड इसलिए करता है क्योंकि सेकेंड जो उसका ऑपरेशन होगा वो क्या करेगा, जो नया अमाउंट आया राम के अकाउंट से वो उसको ऐड करेगा इसके एग्जिस्टिंग वाले अमाउंट में, इसलिए वो पहले उसके अमाउंट को रीड करेगा, उसका एग्जिस्टिंग अमाउंट, उसी एग्जिस्टिंग अमाउंट में क्या करेगा नया वाला अमाउंट ऐड करेगा। तो अभी 1000 प्लस कितना 200 कितना होगा 1200, ठीक है। पहला रीड ऑपरेशन, उसके बाद क्या होगा ऐड ऑपरेशन, आफ्टर दैट थर्ड ऑपरेशन आफ्टर एडिशन, जो नया वैल्यू ऐड किया, नया अमाउंट ऐड किया यू नो एग्जिस्टिंग अमाउंट में, उसके बाद फाइनली उसको अपडेट करेगा, मतलब कि राइट ऑपरेशन होगा। राइट मतलब नए अमाउंट के साथ उसका अकाउंट प्रॉपरली फाइनली अपडेट होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, इसके अकाउंट में टोटल कितना हो जाएगा 1200, राइट। फाइनली ये कंप्लीट ऑपरेशन, मतलब टोटल इधर कितने थे 3, इधर 3, टोटल 6 ऑपरेशन होने के बाद, मतलब डेबिट प्लस क्रेडिट को मिला करके ये कंप्लीट कहलाती है सिंगल ट्रांजेक्शन। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन एक सेट ऑफ ऑपरेशंस की, एक मतलब सेट ऑफ ऑपरेशंस है, राइट। जितने भी ऑपरेशन थे, इधर 3 ऑपरेशन थे, इधर 3 ऑपरेशन थे, मतलब सेट ऑफ ऑपरेशन एक ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पे 6 थे, मल्टीपल भी हो सकते हैं और भी होते हैं, बट मैंने मिनिमम वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। आई होप आपको ट्रांजेक्शन बेसिकली पता चला होगा कि एक ट्रांजेक्शन के पीछे बैकेंड में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उन सेट ऑफ ऑपरेशंस को ही हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कहीं से अमाउंट कटा, कट के फिर फाइनली कहीं पे गया, वो कंप्लीट होने के बाद उस फाइनल फुल ऑपरेशन को बोलते हैं एक ट्रांजेक्शन, राइट। ओके, अब एसिड प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे इंटरकनेक्टेड है और एसिड प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। एसिड क्या है, एसिड एक एक्रोनियम है। एसिड मतलब एक स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन, डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी की बात करते हैं, एटॉमिसिटी का मतलब यही है, वापस ट्रांजेक्शन पे आते हैं। इमेजिन करो राम के अमाउंट का डेबिट वाला पोर्शन कंप्लीट होते हैं, डेबिट होते हुए ही जैसे क्रेडिट होने चलता है, वो जैसे रीड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ, यहाँ पे किसी वजह से सिस्टम फेलियर की वजह से कोई सर्वर डाउन हो गया, उसकी वजह से इसका क्रेडिट की जो 3 ऑपरेशन थी वो नहीं कंप्लीट हो पाई, मतलब रीड करते ही कोई फेलियर आ गया, सिस्टम फेलियर आ गया, जिसकी वजह से ये पूरी ट्रांजेक्शन, उधर का डेबिट हो चुका, उसका अमाउंट कट चुका, लेकिन यहाँ पे फेलियर आया क्रेडिट की वजह से, तो ये पूरी कंप्लीट ट्रांजेक्शन कैसे होती, डेबिट प्लस क्रेडिट, बट बिकॉज ऑफ द फेलियर इन केस ऑफ क्रेडिट तो क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन फेल हो गया। अब जैसे ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो क्या होगा, एटॉमिसिटी कहती है कि पूरी ट्रांजेक्शन के बीच में कहीं पे भी, बीच में, मिड में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी फेलियर आता है, या तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ऑपरेशन मतलब प्रीवियस स्टेज पे चली जाएंगी सारी,
जो भी ऑपरेशन हो चुके हैं, लेट से कि यहाँ डेबिट का पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, तो क्या कहता है एटॉमिसिटी कि अगर फेलियर आया है कहीं पे भी, ये छह स्टेप थे, तीन इधर, इधर वाले पहले स्टेप पे आया फेलियर, तो इसकी वजह से पूरी वापस से रोल बैक होगी, मतलब ये डेबिट वाला वापस से जो 300 हुआ था इसका अमाउंट वापस से फर्दर क्या हो जाएगा 500, क्योंकि क्रेडिट हो नहीं पाया, जब इसके मैं ऐड ही नहीं हो पाया, अपडेट ही नहीं हो पाया, क्रेडिट कंप्लीट नहीं हो पाई, तो ये ट्रांजेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा। नो चेंजेस, एनी चेंजेस अप्लाई नहीं होगी, राइट। अगर ये क्रेडिट का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, इसका अमाउंट 1000 से 1200 हो जाता है, तो क्या होता है कि इसको कहते हैं कि अगर कंप्लीट हो जाता, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती, सक्सेसफुल हो जाती, तो कहते कि एटॉमिसिटी यही कहती, तो मतलब सक्सेस होगी, तो सक्सेस मतलब यही एटॉमिसिटी का मीनिंग इतना ही है, या तो पूरी तरह से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, सक्सेसफुल हो चुकी हो, या तो कहीं पे भी फेलियर आया हो तो जो प्रीवियस वाले जो भी ऑपरेशन हुए हो वो रोल बैक हो जाए, राइट। मतलब वो सारे चेंजेस अप्लाई ना हो जो पहले चेंजेस हो चुके, फेलियर की वजह से यहाँ पे जो चेंजेस हुए वो अप्लाई ना हो, अगर फेलियर नहीं आए तो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल वे में दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई फेलियर आता है तो रोल बैक हो जाएंगी सारी ऑपरेशन, अगर कोई फेलियर नहीं आता है तो ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगी, राइट, कंप्लीटली अपडेट हो जाएंगे दोनों अकाउंट, राइट। सो दिस इज द एटॉमिसिटी, ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ओके। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी को बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करिएगा भाई, कंसिस्टेंसी मतलब वो निरंतर वाला कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी यहाँ इसका मीनिंग ये है जो डेटाबेस है यहाँ पे, मतलब जो अकाउंट है, अगर मान लो यहाँ पे 300 हुए, इमेजिन करो कि यहाँ पे लेट्स से कि एक साथ, मान लो इमेजिन करो कि राम जो है एक साथ 200 रुपये दो पर्सन को भेज रहा है, एक राम को भेज रहा है, सॉरी एक श्याम को भेज रहा है, एक नेहा को भेज रहा है, इमेजिन करो एक श्याम को एक नेहा को 200 रुपये एट द सेम टाइम कंकरेंटली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो क्या हुआ, जैसे रिक्वेस्ट गई श्याम के अकाउंट, उसने जैसे पे नाउ किया, दो साथ में वो पे कर रहा है, तो दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ अगर उसके बैंक अकाउंट को टच करेंगी तो वो रीड क्या करेंगी इनिशियली उसके अमाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 500, राइट। नेहा को भी ट्रांसफर कर रहा है और साथ ही साथ किसको ट्रांसफर कर रहा है, श्याम को भी, तो अभी 500 इनिशियली और दोनों को 200 रुपये वो ट्रांसफर कर रहा है, तो जैसे ट्रांजेक्शन दोनों कंकरेंटली गई साइमल्टेनियसली गई, कुछ चेक करेगा भैया इसमें तो 500 रुपये पड़ा हुआ, तो क्या करेगा, नेहा ने डिडक्ट किया 500 रुपये 200 रुपये और साथ में उसने भी डिडक्ट कर लिया, मतलब कि क्या बोलते हैं श्याम का, श्याम के लिए भी डिडक्ट हुआ, तो टोटली दोनों लोगों के लिए 200 200 ही, मतलब 200 ही कटा, मतलब नेहा के पर्सपेक्टिव भी और श्याम के पर्सपेक्टिव भी, राम के अकाउंट से 200 ही, सिर्फ 200 डिडक्ट हुआ, और एट द एंड उसके अकाउंट में कितना हुआ, 300 अपडेट हो गया अपडेट होने के बाद, जबकि कितना होना चाहिए, सिर्फ 100, नेहा के लिए भी 200 अलग से सेपरेट होके कटे और श्याम के लिए सेपरेट होकर डिडक्ट हो, तो टोटल श्याम के लिए 200 और नेहा के लिए 200, तब इसका फाइनल जो अमाउंट अपडेट होना चाहिए वो कितना, 100, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कंकरेंटली और साइमल्टेनियसली यू नो ऑपरेशन होने की वजह से क्या हुआ कि दोनों ने 200 200 डिडक्ट किए और दोनों का फाइनल अमाउंट जो अपडेट हुआ राम के अकाउंट में वो कितना हुआ, 300। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंसी, राइट, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी। तो डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट, राइट, इसका मीनिंग ये है कि जो भी डेटा आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज रहे हो, और दूसरा एग्जांपल ये भी कह सकते हो, जो भी अकाउंट में, मतलब यहाँ से जो अकाउंट मनी भेज रहे हो, जैसे राम ने श्याम को भेजा, इनका जो फाइनल अमाउंट है और जो उसका फाइनल अमाउंट है, जो अपडेटेड अमाउंट है, उन दोनों को जोड़ करके अगर सेम रिजल्ट आ रहा है जो प्रीवियस में था, तो मतलब कि ये कंसिस्टेंट डेटा है, मतलब कि अगर इनिशियल स्टेट में बात करें कि किसी ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, तो पहले उसके अकाउंट में कितना था, राम के अकाउंट में 500 रुपये, श्याम के अकाउंट में कितना, 1000 रुपये, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ, 1500 रुपये, और आफ्टर ट्रांजेक्शन अगर दोनों का अमाउंट का जोड़ो तो कितना हुआ, अगेन 1500, क्योंकि इधर बचा है 300, इधर कितना हो गया, 1200, 1200 और 300 जोड़ोगे तो कितना हुआ, 1500, मतलब कि कंप्लीट ट्रांजेक्शन के बाद जो अमाउंट है दोनों के अकाउंट का, अगर वो कंसिस्टेंट है तो मतलब वो करेक्ट ट्रांजेक्शन है, और इसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। अगर मान लो कि यहाँ पे 500 है और उसके में 1200 हो गया, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट,
राइट। तो डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंसी कहती है, राइट। अब बात करते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है गाइस, यही फिर से एग्जांपल लेते हैं। आइसोलेशन का मतलब यही है कि जब मैंने बोला था अभी नेहा और श्याम को दोनों कनकरेंटली जब वो साइमल्टेनियसली यू नो पैसा भेजने की कोशिश कर रहा था, तो क्या होता है जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो आइसोलेटेड होते हैं। मतलब आइसोलेटेड ये होते हैं कि एक थ्रेड आया तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर रहा उसी टाइम पे नेहा का भी थ्रेड आके से रिसोर्स को एक्सेस कर रहा, उसने भी 200 रीड किया, मतलब उसने भी डिटेक्ट कर लिया और उसी में श्याम ने भी डिटेक्ट कर लिया और उसको फाइनल 300 मिला। नहीं, उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आइसोलेटेड होंगी लेकिन पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल इन द सेंस कैसे, एग्जांपल समझाऊं। अब गाइस सोचो, मान लो कि एक टाइम पे मैं रेलवे टिकट बुकिंग कर रहा हूँ या फिर मूवी टिकट बुकिंग कर रहा हूँ, तो मैंने इधर से यू नो टिकट बुक किया, उधर से कोई पर्सन ने टिकट बुक किया, तो देखो साइमल्टेनियसली कंकरेंटली पैरेलली रिक्वेस्ट जा रही है और दोनों का टिकट बुक हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है कि जिस पर्टिकुलर सीट के लिए आप जा रहे हो वो उस पर्टिकुलर सीट के लिए जैसे वो थ्रेड इंटर करती है तो वो पर्टिकुलर, वो जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं दूसरी जाएगी, तो वो आइसोलेशन। अगर सिंगल रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर वेट करना पड़ेगा, अगर वो अलग रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो बेसिकली बैकएंड में पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। तो वो थ्रेड क्या होती है, वो जो ऑपरेशंस होते हैं, वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, राइट। इसलिए इसे बोलते हैं कि आइसोलेटेड होनी चाहिए वो चीज़ें, तो ट्रांजेक्शन में जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है, अदरवाइज वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देखने पड़ती है बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। अगर आइसोलेशन नहीं है, इसलिए आइसोलेशन का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइसोलेशन का मतलब इतना ही है कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहे हैं वो आइसोलेटेड होने चाहिए। अगर एक रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो मल्टीपल एक्सेस नहीं कर सकते, पहले वो रीड कर लेगा, वो 200 डिटेक्ट कर देगा अपना नेहा श्याम के लिए, आफ्टर दैट वो जो 300 बचे उस 300 में नेहा अपना अमाउंट जो है रीड करेगी, तो फाइनली उसको डिटेक्ट करके जो क्या कर देगा 100 कर देगा। तो अभी यहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन क्या है, आइसोलेटेड है, इस वजह से करेक्ट अमाउंट जो अपडेट होगा राम के अकाउंट में, अदरवाइज अगर आइसोलेटेड नहीं होंगी ट्रांजेक्शन तो वहाँ पे फेलियर आएगा, राइट। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके गाइस, सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं गाइस ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। गाइस ड्यूरेबिलिटी मतलब गाइस जो भी ट्रांजेक्शन हमारी हुई है वो कंप्लीट होने के बाद, वो सक्सेसफुल होने के बाद, जितने भी चेंजेस होने थे वो कंप्लीट चेंजेस के बाद वो परमानेंट डेटाबेस में कहीं ना कहीं बेसिकली स्टोर होता है। वो क्या होता है बेसिकली, वो डेटाबेस होता है, तो उस परमानेंट स्टोरेज में मतलब डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाता है, परमानेंटली उस पर कमिट हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब कुछ नहीं है, ड्यूरेबिलिटी ये कहता है कि आफ्टर ट्रांजेक्शन जो भी चेंजेस अप्लाई होने थे वो अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो हम डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर कर देंगे। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको एसिड प्रॉपर्टी का मीनिंग बेसिकली समझ में आया होगा, एटॉमिसिटी क्या कहती है, आपका आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है, ये बेसिक चार प्रॉपर्टी है जो इसका बेसिक मीनिंग होता है। इसके अंदर फर्दर और भी बहुत सारी डेप्थ में होती हैं गाइस चीज़ें, लेकिन बहरहाल के लिए आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो गाइस अगर आपके मन में कोई डाउट है और इसी तरह से आपके पास भी किसी तरह का टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि वीडियो आए, तो उसमें आपने नेम के साथ प्लस ईमेल आईडी आप उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो लाइक करो, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।